नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक वीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे जीमेल में हम लेबल या फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल पे आके क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करके हमको सर्चिंग बार में टाइप कर लेना है जीमेल अकाउंट। दोस्तों जीमेल अकाउंट टाइप करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज विजिबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए कई सारे वेबसाइट हमको विजिबल हो रहे हैं, हमको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों हमारे मोबाइल में जो जीमेल एप्लीकेशन है, अगर हम उस एप्लीकेशन के जरिए लेबल क्रिएट करने के लिए चाहते हैं, हमको वहाँ पे कोई भी ऑप्शन लेबल क्रिएट करने के विजिबल नहीं हो रहा है। हमको इसीलिए क्रोम ब्राउजर में जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिए जहाँ पे लिखा है इनबॉक्स बाय जीमेल गूगल, हमको उसका ऊपर टैप कर लेना है। दोस्तों इनबॉक्स बाय जीमेल गूगल उसका ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज विजुअल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप राइट कर यहाँ पे ट्रिपल डॉट विजुअल हो रहा है, उसको ऊपर टैप करके हमको इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों हमको इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। राइट कॉर्नर ट्रिपल डॉट में क्लिक करके हमारे सामने एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया, हमको डेस्कटॉप साइट में टैप सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में टैप करने के बाद ये हमारा डेस्कटॉप साइट में विजुअल हो रहा है। हमको यहाँ पे देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, साइन इन टू इनबॉक्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जीमेल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये डेस्कटॉप वर्जन में हमारा जीमेल अकाउंट यहाँ पे विजुअल हो रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ, हमको जीमेल एप्लीकेशन में जितने सारे मेल हमको रिसीव हुए थे जब हम क्रोम ब्राउजर में लॉगिन करके डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट किए, यहाँ पे देखिए सभी मेल हमको यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर क्या ऐड हुआ है, हम यहाँ पे लेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप हमारा जितने सारे मेल हमको रिसीव हुआ है हम सभी मेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। सपोज हमको यहाँ पे ऑनलाइन की तरफ से कुछ मेल आया है, यूट्यूब की तरफ से कुछ मेल आया है, या कुछ पर्सनल कुछ फ्रेंड की तरफ से कुछ मेल आया है, हम इसको यहाँ पे कैटेगराइज करके फोल्डर बना सकते हैं। जो मेल जिस जगह से आया है उसको हम उसी फोल्डर में रखेंगे, जब हमको ज़रूरत होगा तब हम उसी फोल्डर को क्लिक करेंगे, सभी मेल उसी फोल्डर में हमको दिखाई देगा। दोस्तों हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, देखिए जूम करके देखिए यहाँ पे देखिए बॉटम साइड से एक लेबल क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन विजुअल हो रहा है। तो लेफ्ट कॉर्नर में मोर का ऑप्शन विजुअल हो रहा है, हम जब मोर का ऑप्शन में क्लिक किए देखिए लेफ्ट में हमको एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्रिएट न्यू लेबल का एक ऑप्शन विजुअल हो रहा है, प्लस क्रिएट न्यू लेबल, हमको क्रिएट न्यू लेबल में क्लिक कर लेना है। हमको एक नया फोल्डर या लेबल क्रिएट कर लेना है। दोस्तों लेबल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू लेबल का एक छोटा सा मेनू ओपन हो गया, छोटा सा बॉक्स, देखिए फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लेबल में क्लिक कर लेता हूँ। फिर से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जैसे आपको क्लियरली विजुअल हो। यहाँ पे मैं लेबल का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, आपको किसी भी एक नाम यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, मेरे को जो मेल मेरे को रिसीव हुआ है मैं यहाँ पे कैटेगराइज करना चाहता हूँ। तो ब्रैकेट हमको विजुअल हो रहा है, यहाँ पे हमारा लेबल का नाम ऑनलाइन शॉपिंग रख के देन क्रिएट में क्लिक कर लेते हैं। हमारा एक लेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो लेफ्ट कॉर्नर बॉटम साइड से हमारा क्रिएट किया हुआ लेबल यहाँ पे विजुअल हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग नाम का लेबल हमने क्रिएट किए थे, उसका ऊपर टैप करते हैं, देखिए उसका अंदर कुछ नहीं है। हम बैक चलते हैं, हमारे मेल में जितने सारे मेल हमको रिसीव हुआ है सब मिक्स होकर रखा है। हम जो मेल हमको ऑनलाइन शॉपिंग साइट से हमको रिसीव हुआ है उस मेल को हम सिलेक्ट करके हम ऑनलाइन शॉपिंग का जो लेबल क्रिएट किए हैं उसका अंदर हम रखेंगे। लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में लेबल का राइट साइड में जो प्लस सिंबल है हम उसका ऊपर टैप करके एक नया लेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमको कैटेगराइज करके मेल को रखना है। हम यहाँ पे YouTube रख लेते हैं, जो भी मेल हमको YouTube से रिसीव होता है हम उसको YouTube के फोल्डर में रखेंगे, देन क्रिएट में क्लिक कर लेते हैं। बॉटम में जो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारा दो लेबल अभी बनकर रेडी हो चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग देन यूट्यूब। हम ऑनलाइन रिलेटेड जो हमको मेल रिसीव हुआ है हम ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड रखेंगे, जो यूट्यूब से आया है हम यूट्यूब में रखेंगे। अब चाहे किसी भी मेल को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना क्रिएट किए हुए लेबल पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से बैक चले आता हूँ, बैक आके आपको जीमेल एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ।
मोबाइल पे आकर जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जितने सारे मेल हमको रिसीव हुआ है सभी मेल हमको एक ही एरिया पे दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं सभी मेल को कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर में हमको विजिबल हो। दोस्तों टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे ट्रिपल लाइन विजिबल हो रहा है हमको टॉप राइट कॉर्नर ट्रिपल लाइन में क्लिक करने के बाद हमको लेफ्ट कॉर्नर में एक मेनू ओपन हो गया। देखिए दोस्तों हमने जो दो फोल्डर या दो लेबल हमने क्रिएट किए थे ऑनलाइन शॉपिंग एंड यूट्यूब यहाँ पे बॉटम में हमको विजिबल हो रहा है। दोस्तों देखिए ऑनलाइन शॉपिंग एंड यूट्यूब, दोस्तों हम ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड हमको जितने सारे मेल आया है हम चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का जो लेबल हमने क्रिएट किया है उसका अंदर सब रहे। दोस्तों हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और यूट्यूब का जो है जो मेल मेरे को मिला है सब यूट्यूब में रहे। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लिपकार्ट, मैं फ्लिपकार्ट का जो मेल आया है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट से जो मेल आया है मैं यहाँ पे कुछ मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके टॉप राइट कॉर्नर ट्रिपल डॉट में क्लिक कर लेते हैं। टॉप राइट कॉर्नर ट्रिपल डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ से एक पॉपअप मेनू ओपन किया, देन मूव टू में क्लिक कर लेते हैं। मूव टू में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग जो फोल्डर बना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए उसका अंदर वो चला गया, ये मेल यहाँ से गायब हो चुका है। तो हमको यूट्यूब से जो मेल आया है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके देन टॉप राइट कॉर्नर ट्रिपल डॉट में क्लिक कर लेते हैं। ट्रिपल डॉट में क्लिक करके यहाँ से मूव टू में क्लिक कर लेते हैं। मूव टू में क्लिक करके देन बॉटम में यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं। यूट्यूब सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये मेल वहाँ से गायब हो चुका है। हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ट्रिपल लाइन में क्लिक करके देन ऑनलाइन शॉपिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जो लेबल हमने क्रिएट किए थे उसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमने जो मेल इसका अंदर सेंड किए थे ऑनलाइन शॉपिंग का लेबल का अंदर ये मेल हमको यहाँ से विजुअल हो रहा है। देन यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं बॉटम में। यूट्यूब सिलेक्ट करके हमने जो एक मेल हम यूट्यूब लेबल में सिलेक्ट सेंड किए थे यूट्यूब फोल्डर में यहाँ पे एक मेल हमको यहाँ से विजुअल हो रहा है। दोस्तों इस तरह से आप लेबल क्रिएट करके अपना मेल को कैटेगराइज कर सकते हैं से आपको ज़रूरत के हिसाब से मेल मिलने में आसानी हो। दोस्तों इस रिलेटेड वीडियो मैं कुछ मंथ पहले लैपटॉप से बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।